पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से अपने एक नई ब्लॉग के साथ प्रियांशी भंडारी राणा उत्तराखंड देवभूमि देहरादून से। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत, आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट, वहां से शायद चिड़ियाघर भी जा सकते हैं अगर टाइम लगा तो। दोस्तों आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने आपके साथ ये लोटस टेम्पल का ब्लॉग सारा शेयर किया। आपने देखा होगा लोटस टेम्पल में भी हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। और आज सबसे स्पेशल बात ये है कि आज आरू के पापा हमें लेने के लिए आए हुए हैं देहरादून के लिए, तो आरू और मुझे। तो अभी मैंने बोला कि प्लीज़ यार इंडिया गेट भी देख लेते हैं, तो अभी हम लोग इंडिया गेट जा रहे हैं आरू के पापा के साथ। तो चलो फिर दोस्तों आपके साथ इंडिया गेट का भी सारा शेयर करती हूँ, चलो फिर आगे। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर, तो पहले हम लोग यहाँ पे चिड़ियाघर घूमेंगे। जो आपको दिख रहा होगा बैक साइड में गेट, ये यहाँ का चिड़ियाघर आ चुका है। तो अभी हम लोग पहले चिड़ियाघर घूमेंगे, उसके बाद हम इंडिया गेट घूमेंगे। और यही पास में पुराना लाल पुराना किला भी है, तो पहले मुझे लगा लाल किला भी इधर ही है, लेकिन आरू के पापा ने बताया ये पुराना किला है। तो दोस्तों फिर चलते हैं हम आगे। अभी हम गेट पे हैं, तो आरू के पापा गाड़ी पार्क करने अंदर गए, यहाँ पार्किंग है। तो यहाँ से आगे जो रास्ता जा रहा है
यहाँ से आगे जा रहे हैं चिड़ियाघर। तो दोस्तों चलो फिर चलते हैं चिड़ियाघर। तो दोस्तों अभी आरू सो गई है और आज अभिषेक की भी छुट्टी है ऑफिस की, तो अभी अभिषेक भी आज हमारे साथ घूमने आया हुआ है, वरना मैं और दीदी और आरू ही जाते हैं मोस्टली घूमने के लिए, या फिर कभी लकी कभी विवेक भी आ जाता है हमारे साथ। तो अभी हम लोग वो तो पार्किंग में गए हुए हैं पार्क करने को, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उन लोगों का कि अभी वो आएंगे। और ये है विवेक, विवेक हाय। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये पापड़ बिकते हैं, आपको पता है ये वाले पापड़ यहाँ पे बिकते हैं, कितने का भैया? 20 के पापड़ बिकते हैं और लोग बहुत लोग इसे बहुत खाते हैं, यहाँ पर बहुत बिकता है ये, मतलब जितने भी मार्केट में गई ये पापड़ हर जगह मुझे दिखे हैं बिक रहे। चिड़ियाघर से ये पुराना किला भी दिख रहा है, और किले का गेट तो बैक साइड में है, लेकिन यहाँ से आपको पुराना किला भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों अभी आपको मैंने दिखाया यहाँ पर ऑनलाइन टिकट करने की वो दिखाया गया है, मतलब सारे लोग यहाँ पे ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है, यहाँ पे ऑनलाइन टिकट मिलता है। तो अभी वो ऑनलाइन कर रहे हैं टिकट का, वहाँ पे देख सकते हो आप काफ़ी भीड़ लगी हुई है टिकट के लिए, मतलब टिकट को सर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से टिकट यहाँ पे मिलते हैं, मतलब ऑनलाइन जो भी उनका प्रोसेस है। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दीदी आरू अभिषेक की गोदी में सोई हुई है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग मतलब टिकट हम बाहर से ऑनलाइन कर चुके हैं और यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं चिड़ियाघर के अंदर, और आरू भी जग गई है, दिखाती हूँ आपको आरू को। ऐसे क्यों बने भाई ऐसे खाचे खाचे से, खुश रहती है घूमने के लिए, अब देखना कैसे भागती है।
आपको क्या है? आरु आरु इधर देखो।